जाना है दो नदियों के संगम स्थल का। जी हम बात करें नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, इस महत्वपूर्ण लिंक परियोजना की जो साक्षी बनी है आज मध्यप्रदेश शिवराज सरकार की पूरी कैबिनेट। आज कैबिनेट बैठक पूरी हो चुकी है और फिलहाल कैसा प्रतिक्रिया है, मंत्रिमंडल इसे लेकर क्या मानता है? प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर आप पौधारोपण कर रहे हैं और इस पवित्र स्थल पर आए हैं, कैसी प्रतिक्रिया आपकी पहली है? देखिए ये तो एक सपने को साकार करने जैसा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। 400 मीटर की हाइट में नर्मदा जी को लिफ्ट करके और करीब 50 किलोमीटर लंबाई में पहुंचा के और छिपरा जी से उनका मिलन करा देना, बहुत कई गांवों को पानी की सुविधा मिलेगी और जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था वो ग्राउंड वाटर अब ऊपर आएगा। मालवा में जो एक कहावत है पग पग नीर वाली, वो चरितार्थ हुई है। इसलिए यहाँ पर आकर माँ छिपरा जी के उद्गम स्थल को पहली बार देखने का अवसर मिला और माँ नर्मदा यहाँ पहुंच गई, तो इसलिए ये बहुत ही अलौकिक दृश्य है। आपको लगता है इस तरह के प्रयोग बार बार होते रहना चाहिए, कैबिनेट ग्रामीण अंचल में जाए और वहाँ पर बैठक हो ताकि मंत्रियों को मंत्रणा करना भी अच्छा लगे और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी अच्छे ढंग से हो पाए? जहाँ आवश्यक हो वहाँ पे इस प्रकार के बैठक होना जरूरी है, जैसे यहाँ बहुत आवश्यक था। यदि ये बैठक नहीं होती तो शायद इतनी जल्दी हम लोग इस स्थान पर आके और जो अद्भुत काम हुआ है उसको देख नहीं पाते। सारे अधिकारी आए, जो NVDA से जुड़े अधिकारी नहीं हैं, सारे के सारे अधिकारी बहुत सारी बड़ी मात्रा में यहाँ पत्रकार बंधु दिख रहे हैं और कठिन से कठिन काम भी किया जा सकता है, ये इस बात को यहाँ पर आके देखने से लोगों को समझ में आ रहा है। मालवी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया है, किस तरह का मेनू तैयार हुआ था उसे लेकर के क्या आपका रिएक्शन? भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था और मालवा के लोग मेहमान नवाजी में काफी आगे रहते हैं और यहाँ पर वो देखने को भी मिला और बहुत रुचि से बड़े चाव से स्वागत किया गया है। आपको लगता है कि इस तरह के प्रयोग बार बार होते रहना चाहिए और जिस तरह से शिवराज जी लगातार अपने भाषण के दौरान भी कहते हैं कि अटल जी का एक सपना था जिसे साकार किया है, मूर्त रूप किया है, आगे जो उसका दूसरा चरण है उसके विस्तार को लेकर भी क्या आजकल कैबिनेट में चर्चा हो पाई? बिल्कुल, क्योंकि नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो की जो परिकल्पना थी अटल जी की वो वास्तव में बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की सरकारें ही उस परिकल्पना को साकार कर सकती है। तो मध्य प्रदेश ने एक उदाहरण दिया है सारे देश को कि जब हम इतना कठिन काम कर सकते हैं तो आप अपने प्रदेशों में नदियों को जोड़ के जहां पर पानी का अपव्यय हो रहा है उस पानी को रोकिए, जहां पर पानी की मांग है वहां पानी पहुंचाइए और सारे देश में एक हरित क्रांति लाने का मार्ग प्रशस्त करिए। ये उदाहरण दूसरे प्रदेशों को शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी का भी मानना है कि इस तरह के प्रयोग होते रहना चाहिए ताकि मंत्रिमंडल को भी एक विकास की कई नए सोपान सुनने वाली जो कामकाज है उसके बारे में सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर जानकारी मिल सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज, ग्राम उज्जैनी।